हेलो दोस्तों, फाइनली जुलाई मंथ के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स लिस्ट आ चुकी है। वैसे सेल्स रिपोर्ट्स तो मंथ के फर्स्ट तारीख को ही आ जाती है, लेकिन हमें कैटेगरी वाइज डाटा मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए सेल्स के वीडियो के मामले में हम थोड़ा डिले हो जाते हैं। वैसे आप बताना दोस्तों, टॉप 10 कंपनियों के साथ मंथ के शुरुआत यानी फर्स्ट तारीख को ही आपको वीडियो चाहिए या कैटेगरी वाइज सेल्स नंबर के साथ वीडियो चाहिए? कुछ डिले हो जाएगा, लेकिन उस डिले के बावजूद आपको कैटेगरी वाइज सेल्स लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगले महीने उसी कमेंट के हिसाब से हम वीडियो लेके आते रहेंगे। उसे मेरे पर्सनल ओपिनियन तो कैटेगरी वाइज ही देखना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर टॉप 10 लिस्ट देखा जाए तो वहां पे ई रिक्शा भी ऐड हो जाते हैं, तो उन सभी को हटाकर हमें सिर्फ से L5 ऑटो रिक्शा के सेल्स से देखना है, तो कैटेगरी वाइज ही बेटर होगा। वैसे आपका ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बातें तो बहुत हो गई, लेकिन जुलाई मंथ के सेल्स की तरफ आते हैं तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, टोटल सेल में भी और इंडिविजुअल कंपनी के सेल्स में भी। लेकिन कुछ कंपनी की वाट लगी पड़ी है, वो अलग बात है, और इसी तरह से चलते रहेगा तो मार्केट से गायब भी हो सकती है वो कंपनी। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेलली जानेंगे। जाने से पहले शाबू हिल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं जुलाई मंथ की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स के बारे में डिटेलली। तो शुरुआत करते हैं मंथ के टोटल सेल से। जुलाई के महीने में 63,665 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल हुई थी। अगर जून के महीने में देखा जाए तो 52,274 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 11,391 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस टोटल सेल के डिफरेंस के हिसाब से 21.8% की ग्रोथ देखने को मिली है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के सेल्स में जुलाई के महीने में। पिछले महीने यानी जून के महीने में मई के महीने से कंपैरिजन करेंगे तो 4% ड्रॉप देखने को मिली थी टोटल सेल में, लेकिन इस बार बाउंस बैक किया है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स। तो इस टोटल सेल को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखेंगे इलेक्ट्रिक ई रिक्शा और L5 ऑटो रिक्शा के बीच में। तो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में ई रिक्शा की जुलाई के महीने में 44,430 यूनिट की सेल हुई थी, और कार्गो सेगमेंट में ई रिक्शा की 5,186 यूनिट की सेल हुई थी। अगर L5 कैटेगरी की बात की जाए तो पैसेंजर सेगमेंट में 11,431 यूनिट की सेल हुई थी, और कार्गो सेगमेंट में 2,618 यूनिट की सेल हुई थी। तो ये तो रहा कैटेगरी वाइज टोटल सेल, लेकिन हम L5 कैटेगरी के अंदर टॉप 6 कंपनियों के बारे में जानेंगे जिनके टोटल सेल को पिछले महीने से कंपैरिजन करके देखेंगे कितनी ग्रोथ मिली है और कितना डाउनफॉल देखने को मिला है और किस कंपनी को देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं पैसेंजर सेगमेंट में 6th नंबर से। तो 6th नंबर पे आती है TVS मोटर। अब तक तो सेल्स के आसपास भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इसकी ऑफिशियल सेल्स नहीं हुई थी, तो पिछले महीने से काउंट की जा रही है। तो इस महीने यानी जुलाई के महीने में 40 यूनिट की सेल हुई है, और पिछले महीने यानी जून के महीने में 20 यूनिट की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 20 यूनिट ज्यादा सेल देखने को मिली है। इस टोटल सेल्स के डिफरेंस के हिसाब से 100% की ग्रोथ देखने को मिली है TVS मोटर को। सेल्स लिस्ट में एंट्री लेते ही 100% की ग्रोथ देखने को मिल रहा है TVS मोटर को। और 5th नंबर पे आती है ओमेगा सकी मोबिलिटी। ओमेगा सकी मोबिलिटी ने जुलाई के महीने में 285 यूनिट की सेल की थी, और जून के महीने में 61 यूनिट की सेल की थी। और डिफरेंस देखा जाए तो 224 यूनिट्स को ज्यादा बेचा है जुलाई के महीने में। इस डिफरेंस के हिसाब से 367% की ग्रोथ देखने को मिली है जुलाई के महीने में ओमेगा सकी मोबिलिटी को। पैसेंजर सेगमेंट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अभी तक तो ये 2 डिजिट के अंदर ही सेल कर रही थी पैसेंजर सेगमेंट में, लेकिन डायरेक्ट 3 डिजिट के अंदर पहुंच गया है ओमेगा सकी मोबिलिटी पैसेंजर सेगमेंट में। पहले कार्गो सेगमेंट में बहुत ही अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली 2 नए ऑटो लॉन्च किया है ओमेगा सकी मोबिलिटी ने, एक सिटी क्विक के नाम से, स्ट्रीम सिटी क्विक के नाम से, जिसके अंदर 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। उसके बारे में भी हम पहले से वीडियो बना के रख चुके हैं, तो लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगी, वो वाली वीडियो देख लेना। शायद उसी वजह से इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। और 4th नंबर पे आती है TI क्लीन मोबिलिटी, जो कि मंत्रा है। मंत्रा ने जुलाई के महीने में 580 यूनिट की सेल की थी, और जून के महीने में 389 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 191 यूनिट की ज्यादा सेल की है जुलाई के महीने में। इस टोटल सेल्स के डिफरेंस के हिसाब से 49.1% की ग्रोथ देखने को मिली है मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को। मंत्रा धीरे धीरे अब अपने नंबर्स क्रॉस कर रहा है। पहले ये 5th नंबर 6th नंबर पे आता था, धीरे धीरे 4th नंबर तक पहुंच गया है। शायद आने वाले दिनों में ये 3-2 को भी क्रॉस करने वाला है, लेकिन उससे पहले एक कॉम्पिटिटर को भी पास करना होगा जो इंडिया में भी सबसे ज्यादा हाइप बना हुआ है उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का। वो कौन सी ऑटो रिक्शा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और नंबर 3 पे आती है पियाजो। पियाजो तो अपने नंबर को छोड़ ही नहीं रहा यार, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कंपनी तो यही नंबर पे अटकी है, मैं जब से वीडियोस बना रहा हूं नंबर 3 पे ही पियाजो अटकी पड़ी हुई है। पियाजो वालों सुन लो, नंबर 3 से हट जाओ यारो, ऊपर तो चलो।
बहुत ही पुरानी कंपनी है और नंबर 3 पे अटक के पड़ी है। तो पियाजो ने जुलाई के महीने में 1743 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 1102 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 641 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस टोटल सेल्स के हिसाब से 58.2% की ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को जुलाई के महीने में, जो कि अब की बार तो बहुत ही अच्छा सेल किया है। हमेशा 100 या 200 के बीच में ही ज्यादा सेल कर लेता, लेकिन इस बार तो बहुत ही जबरदस्त सेल की है पियाजो ने भी। और नंबर 2 पे आती है बजाज। बजाज बजाज फाइनली नंबर 2 पे देखने को मिल रही है। पहले शुरुआत हुई थी 5th नंबर से, 4th, 3rd, अब चला गया 2nd नंबर पे पैसेंजर सेगमेंट में। तो बजाज ने जुलाई के महीने में 3350 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 2380 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 970 यूनिट की ज्यादा सेल की है जुलाई के महीने में। इस टोटल सेल्स के हिसाब से 40.8% की ग्रोथ देखने को मिली है बजाज को। और नंबर 1 की बात की जाए तो हमेशा की तरह किंग बन के बैठा है। किंग को हटाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो नंबर 1 पे आती है हमेशा की तरह महिंद्रा। महिंद्रा ने जुलाई के महीने में 49,008 यूनिट को सेल किया है और जून के महीने में 3,305 यूनिट को सेल किया है। और डिफरेंस देखा जाए तो 1,603 यूनिट को ज्यादा सेल किया है जुलाई के महीने में। और इस टोटल सेल्स के हिसाब से 48.5% की ग्रोथ देखने को मिली है महिंद्रा को जुलाई के महीने में। तो दोस्तों ये थे टॉप 6 पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, सबकी तो ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलते हैं कार्गो सेगमेंट की तरफ। कार्गो सेगमेंट में नंबर 6 पे आती है अल्टीग्रीन, जो कि हमेशा यहीं पे अटकी पड़ी हुई है। और अल्टीग्रीन ने जुलाई के महीने में 53 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 89 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो -36, यानी 36 यूनिट्स को कम बेचा है जुलाई के महीने में। इस डिफरेंस के हिसाब से 40.6% की गिरावट देखने को मिली है अल्टीग्रीन के सेल्स में। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा अल्टीग्रीन के बारे में, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना, इसके बारे में हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तो अब बढ़ते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर पे आती है पियाजो। पियाजो ने जुलाई के महीने में 213 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 183 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 30 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस टोटल सेल के डिफरेंस के हिसाब से 16.4% की ग्रोथ देखने को मिली है पियाजो को मंथ ऑन मंथ की। पियाजो मैंने कहा था नंबर ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये कार्गो सेगमेंट में पीछे बढ़ रहा है। पहले 3 नंबर पे तो आता था लेकिन अभी 4 नंबर पे आया। पियाजो को कुछ काम करना चाहिए कार्गो सेगमेंट में भी और पैसेंजर सेगमेंट में भी। 3 नंबर को छोड़ना चाहिए यार, तेरा लक्की नंबर है तो छोड़ दे यार आज। और नंबर 4 पे आती है एलर मोटर। एलर मोटर ने जुलाई के महीने में 228 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 209 यूनिट की सेल की थी। और डिफरेंस देखा जाए तो 19 यूनिट की ज्यादा सेल की है जुलाई के महीने में। इस टोटल डिफरेंस के साथ 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली है एलर मोटर को। नॉट बैड, बेटर है, गिरावट तो देखने नहीं मिली है लेकिन अच्छा मेंटेन किया है एलोर मोटर ने। और नंबर 3 पे आती है ओमेगा सखी मोबिलिटी। ओमेगा सखी मोबिलिटी ने जुलाई के महीने में 248 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 306 यूनिट की सेल की थी। और डिफरेंस देखा जाए तो 58 यूनिट को कम बेचा है जुलाई के महीने में ओमेगा सखी मोबिलिटी। और इस डिफरेंस के हिसाब से 19% की गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर सेगमेंट में अच्छा काम कर रहा है ओमेगा सखी मोबिलिटी, कार्गो सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले ये कार्गो सेगमेंट में काफी अच्छा सेल करता था तो पैसेंजर पे उतना फोकस नहीं करता था, लेकिन अभी पैसेंजर पे फोकस कर रहा है फिर कार्गो में नीचे गिरावट देखने को मिली। दोनों तरफ संभाल नहीं पा रहा है ओमेगा सखी मोबिलिटी, फिर भी नॉट बैड है। नंबर 3 पे कंटिन्यूएशन में रह रहा है तो नॉट बैड, अच्छी सेल हो रही है ओमेगा सखी मोबिलिटी की। और नंबर 2 पे आती है बजाज। यहाँ पे भी नंबर 2 पे आ गया है, पहले पैसेंजर में भी नंबर 2 पे पहुंच गया है और कार्गो में भी नंबर 2 पे पहुंच गया है। और बजाज किया है जुलाई के महीने में 344 यूनिट की सेल और जून के महीने में हुई थी 166 यूनिट की सेल। और डिफरेंस देखा जाए तो 178 यूनिट की ज्यादा सेल हुई है। और इस डिफरेंस के हिसाब से 107.2% की ग्रोथ देखने को मिली है जुलाई के महीने में बजाज ऑटो को कार्गो सेगमेंट में। तो फाइनली नंबर 1 पे आते हैं तो महिंद्रा ही आता है। पैसेंजर हो या कार्गो हो, ई रिक्शा हो या ई ऑटो हो, कौन सा भी सेगमेंट हो, कहीं पे भी हो, महिंद्रा नंबर 1 बैंड के बैठा है। तो महिंद्रा ने जुलाई के महीने में 1039 यूनिट की सेल की थी और जून के महीने में 553 यूनिट की सेल की है। और डिफरेंस देखा जाए तो 486 यूनिट की ज्यादा सेल की है। इस डिफरेंस के हिसाब से 87.9% की ग्रोथ देखने को मिली है जुलाई के महीने में महिंद्रा को कार्गो सेगमेंट में। तो दोस्तों ये थे टॉप 6 पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स जुलाई महीने की। तो आप बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर।
ओवरऑल सेल्स के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और काफी सारी कंपनी इंडिविजुअल भी अच्छे सेल्स किए हैं, लेकिन कुछ कंपनी की वाट लगी पड़ी हुई है। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे पैसेंजर सेगमेंट में ओमेगा सकी और टीवीएस की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इंडिविजुअली, और कार्गो सेगमेंट में बजाज की काफी अच्छी सेल्स देखने को मिली है, लेकिन कार्गो सेगमेंट में ओमेगा सकी और अल्टीग्रीन के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले 3 महीनों में अल्टीग्रीन की सेल्स नीचे जा रही है। पहले 3 डिजिट में सेल कर रहा था 3 महीने पहले, यानी जून छोड़ के मई के महीने में 3 डिजिट के सेल में था, तो जून के महीने में 2 डिजिट पे पहुंच गया है और अभी 2 डिजिट से भी कम हो गया, मतलब 36 यूनिट को कम बेचा है अल्टीग्रीन ने। तो इसी तरह से चलते रहेगा ना तो 2-3 महीनों के बाद ये अल्टीग्रीन मार्केट से गायब भी हो सकती है। तो अल्टीग्रीन को बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए और अपने सेल्स को बढ़ाना चाहिए। वैसे इनके पास काफी अच्छे ऑटो रिक्शा है परफॉर्मेंस के हिसाब से और चार्जिंग टाइम के हिसाब से भी, 15 मिनट में जो चार्ज होने वाली ऑटो रिक्शा है इन्होंने ही पहले लेके आया था, लेकिन फिर भी सेल्स बहुत ही कम है। और इनके बाद जो लॉन्च हुई थी मंत्रा सुपर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, वो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और डीलरशिप के हिसाब से भी अल्टीग्रीन बहुत तेजी से अपने डीलरशिप बढ़ा रहा है हर जगह पैन इंडिया। लेकिन मंत्रा तो अभी साउथ इंडिया के अंदर ही अपने डीलर्स को बढ़ा रहा है और सेल्स भी कर रहा है, अभी दूसरे सिटीज में अभी गया नहीं है, फिर भी काफी अच्छा सेल्स लेके आ रहा है। तो अल्टीग्रीन को बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने सेल्स को लेकर। और इसके अलावा पिछली बार यानी जून के महीने में सेल्स देखा जाए तो 6 कंपनीज में 3 कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी, टोटल 12 नंबर से यानी पैसेंजर और कार्गो के 12 नंबर में से 6 कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ कार्गो सेगमेंट में 2 कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छा सेल हुई है जुलाई के महीने में। इसका सबसे बड़ा रीजन EMPS जो स्कीम है वो खत्म होने वाली थी, तो काफी सारी कंपनी अपने ट्रीव्हीलर पे डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रही थी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से EMPS स्कीम को 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है एक्स्ट्रा बजट के साथ, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में काफी सारे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं और प्राइस भी थोड़ी बहुत कम तो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रीव्हीलर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी है उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स को भी कम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मे बी कंपनीज अपने ऑटो रिक्शाओं के ऊपर कुछ प्राइस कम कर सकती है। तो दोस्तों ये था जुलाई महीने की टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स डिटेल। वैसे आप बताना दोस्तों आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी ऑटो रिक्शा की कंपनी इस नंबर में से कौन से नंबर पे आ रही है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।